एजुकेशन लोन, स्किल लोन, अनेक युवा हितैषी कार्यक्रम इस बजट में लाया गया। ये बजट देश की मध्यवर्गियों के लिए है। ये बजट देश की, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ बिहार और आंध्र में बनने वाला है? देश की सभी राज्यों में बनने वाला है। मुद्रा लोन के लाभार्थी क्या चंद राज्यों में होंगे या देश भर में होंगे? स्वनिधि देश के गरीब स्ट्रीट हॉकर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है, क्या सिर्फ कुछ राज्यों में रहेगा या पूरा देश में रहेगा? एवरी टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम चेंज ब्रिंग्स विद इट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम माय फॉर्मर मिनिस्ट्री। व्हेन ड्रोन्स केम इनटू इंडिया, द ड्रोन इटसेल्फ वाज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, राइट? यू हैव अ हार्डवेयर एस्पेक्ट ऑफ इट व्हिच इज द ड्रोन इटसेल्फ, and then you have a software aspect for it. Every use will require a different software. That is a huge opportunity. ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है, जिसमें चार स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो चार स्तंभ है, मजदूर, लेकिन बिहार में, जिस कहते हैं हम बिहार में बाहर है, एनडीए का सरकार है। Is focused on new trust on public capex. Is focused on very important areas like agriculture, MSME, skilling, employment. A lot of focus on, you know, this ease of doing business. A lot of areas are getting simplified. In certain areas, the Honorable Finance Minister has also spoken about comprehensive review of legislation. Simplified. I think all on a very strong signal for greater ease of doing business.